मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में जिन महान पुरुष की बात करने जा रहे हैं, वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। उनका स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। वैसे तो आप में से कई लोग समझ गए होंगे हम किन की बात करने जा रहे हैं, और जो नहीं समझे हम उनको बता देते हैं कि वो और कोई नहीं महान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक महान काम किए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल जी को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आइए अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आरंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। भारत के लौ पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता ज्वेर भाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही सरदार पटेल कड़ी मेहनत करते आए थे। वे बचपन से ही परिश्रमी थे। खेती में बचपन से ही सरदार पटेल अपने पिता की सहायता करते थे और पेट लाद की एनके हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 1896 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। स्कूल के दिनों से ही वे बहुत होशियार और विद्वान थे। मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वे स्कूल के दिनों से ही बहुत होशियार थे, विद्वान थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था। मतलब उनके जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो उतनी मजबूत नहीं थी, कमजोर थी, लेकिन फिर भी जो उनके पिताजी है उन्होंने उन्हें कॉलेज भेजने का सोचा, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने जाने से मना कर दिया। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पर ही थे। मतलब उनके पिताजी उनको कॉलेज भेजना चाहते थे, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया और वो घर पर 3 साल रहे और अपने बलबूते पर कड़ी मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी करने लगे। और वे परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों से पास भी की थी। मतलब 3 साल उन्होंने घर पे रह के जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी की और उन्होंने बहुत ही अच्छे गुणों से, मतलब बहुत ही अच्छे अंकों से उस परीक्षा को पास भी कर लिया था। तो सरदार पटेल जी का विवाह 1891 में जुवेरबा पटेल से हुआ था। तब उनकी उम्र महज 16 साल की थी। विवाह के बाद 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास की थी। तो मतलब जब सरदार पटेल जी का विवाह हुआ था 1891 में जुवेरबा पटेल जी से, तो उस समय उनकी आयु जो है 16 साल की थी। और जब उन्होंने विवाह कर लिया तो उसके बाद जाके उन्होंने जो है अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी कड़ी मेहनत करके बहुत ही लगन के साथ उन्होंने जो है बैरिस्टरी की उपाधि भी धारण कर ली और साथ ही देश सेवा के कार्य करने लगे थे वो। मतलब जब उन्होंने बैरिस्टरी की उपाधि धारण की, वो बैरिस्टर बन गए, उसके बाद वो जो है देश सेवा के कार्य में भी लग गए थे। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं ICS का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS बनाया। एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमों को सटीकता से प्रस्तुत करके और पुलिस के गवाहों तथा अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। मतलब वो जो है जो अंग्रेजी न्यायाधीश थे, जो पुलिस के गवाह थे, उनके विरुद्ध जो है उन्होंने अपने मुकदमों को एकदम अच्छे से प्रस्तुत किया और जो है कई भारतीय जो जेल में बंद थे उन्होंने उन्हें बाहर निकलवाया मुकदमा जीत कर। 1908 में उनकी पत्नी की जो है मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी को कैंसर था, जिस वजह से 1908 में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री था। इसके बाद उन्होंने विदुर जीवन व्यतीत किया। मतलब उन्होंने अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद दूसरा विवाह नहीं किया, उन्होंने जो है विदुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। मतलब वो अपने वकालत के पेशे में और तरक्की करना चाहते थे और विद्वान होना चाहते थे, इसलिए अगस्त 1910 में उन्होंने लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। मतलब वहां जाके उन्होंने कड़ा परिश्रम किया, अपना पूरा मन लगाकर पढ़ाई की और अंतिम परीक्षा में जो है सबसे उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की। मतलब बहुत ही हाईएस्ट अंक प्राप्त किए। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध बार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। वे अहमदाबाद के
फैशन प्रस्त गुजरात क्लब के ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे और वो जो है अपने जो यूरोपियन स्टाइल था उनका सूट बूट पहनने का उसके लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा जाने जाते थे। वह इंग्लैंड से पढ़कर वापस आए थे इसलिए उनकी जो चाल ढाल बदल चुकी थी। वह सूट बूट यूरोपियन स्टाइल के कपड़े पहनने लगे थे। उनका जो सपना था कि वो बहुत पैसे कमाए और अपने बच्चों को जो है एक अच्छा भविष्य दे, मतलब वो यूरोप से वकालत की पढ़ाई करके आए थे तो उनका ये सोच थी कि मैं भारत आके जो है बहुत ही अमीर आदमी बनूंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने बच्चों को जो है एक अच्छा भविष्य दूंगा। लेकिन उनकी नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, कुछ और ही उनके भाग्य में लिख रखा था। तो वो जो है गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो पहले तो वो राजनीति के प्रति उदासीन रहे, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित हुए, उन्होंने उनकी अहिंसावादी नीति को देखा तो उन्होंने भी जो है सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठानी आरंभ कर दी। भाषण के जरिए लोगों को एकत्र किया। इस प्रकार रुचि न होते हुए भी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। मतलब उनकी कोई रुचि नहीं थी, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, लेकिन फिर भी बाद में जो है धीरे धीरे वो राजनीति के प्रति जो है आकर्षित होते गए और राजनीति की तरफ बढ़ते गए। तो सरदार पटेल नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी से सीधे संपर्क में आए, मतलब 1917 में वो पहली बार सीधे गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, उनसे मिले। 1917 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि वे खेड़ा के किसानों को एकत्र करें और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करें। मतलब ये काम गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा कि वह खेड़ा के किसानों को एकत्र करे और उन्हें जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, मतलब अपने हकों की मांग करने के लिए प्रेरित करे। उन दिनों कृषि ही भारत का जो है सबसे बड़ा आय का स्रोत हुआ करती थी, लेकिन कृषि हमेशा ही जो है प्रकृति पर निर्भर करती आई है। वैसा ही कुछ जो है उन दिनों का आलम भी था। 1917 में जब अधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है उनको अंग्रेजी हुकूमत को कर देना बाकी था। मतलब अंग्रेजों ने तब भी उनसे कर मांगा जबकि उनकी फसल जो है नष्ट हो गई थी। इस संकट को देख वल्लभ भाई पटेल जी ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर न देने के लिए बाध्य किया। मतलब उन्होंने उकसाया कि तुम्हारी फसल नष्ट हो चुकी है फिर भी तुम क्यों उन अंग्रेजों को जो है कर दोगे, और इसके लिए कर ना देने के लिए उनको बाध्य किया। और अंत में जो है अंग्रेजी हुकूमत को उनके आगे झुकना पड़ा और हामी भरनी पड़ी। और ये थी उनकी सबसे पहली जीत जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में उनका साथ दिया। मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो गांधी जी को इतना मानते थे कि उन्होंने उनके हर आंदोलन में उनका साथ दिया। 1920 के दशक में पटेल गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। 1920 में उन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपल चुनाव में सभी ओपन सीटों पर जीत दर्ज की। तिलक स्वराज फंड के लिए उन्होंने जो है 10 लाख रुपए भी एकत्रित किए। 1918 में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व भी उन्होंने किया था। जो 1918 में है जो अंग्रेजों द्वारा जो है लैंड रेवेन्यू टैक्स लिया जा रहा था, तो इसके विरुद्ध उन्होंने जो है नो टैक्स आंदोलन का भी सफल नेतृत्व किया था और वसूली को माफ भी करवाया। गुजरात सभा को 1919 में गुजरात सूबे के कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया जिसके सचिव पटेल तथा अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वह गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। 1923 में जब गांधी जी जेल में थे तब सरदार पटेल जी ने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मतलब जब 1923 में गांधी जी को जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने उनके आंदोलनों के कारण, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने उनके द्वारा चलाए गए नागपुर में जो उनके द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था उस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बंद करने के खिलाफ आवाज उठाई जिसके लिए अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कई कैदियों को जेल से रिहा किया। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा किया अलग अलग जगहों से, तो इस मोर्चे के आगे जो है अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने जो है कई कैदी भी जो है उस समय जेल से रिहा कर दिए। इनकी जो वाक शक्ति तो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वाक शक्ति तो जो इनके बोलने की शक्ति थी वो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिस कारण उन्होंने देश के लोगों को संगठित किया। मतलब अपनी वाक शक्ति के कारण, अपने बोलने की शक्ति के कारण ये जो है देश के लोगों को संगठित कर पाए। इनके प्रभाव के कारण ही एक आवाज पर आवाम इनके साथ ही चल पड़ती थी।
तो मतलब ये इनकी एक ही आवाज पे, इनके एक ही भाषण में पूरी आवाम जो है, पूरी जनता जो है देश की, वो इनके साथ चल पड़ती थी कि लोकप्रियता जो है बढ़ती जा रही थी। इन्होंने लगातार चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो इनकी लोकप्रियता जो है धीरे धीरे बहुत ही बढ़ती जा रही थी, लोगों में लोकप्रिय होते जा रहे थे अपने सहयोग के कारण आंदोलनों में। तो इन्होंने कई जो है सफल भी किए थे आंदोलन, उनका नेतृत्व सफल तरीके से किया था, इस वजह से भी इनकी लोकप्रियता जो है बढ़ती जा रही थी। इन्होंने जो है लगातार चुनाव भी जीते, वो 1922 का हो चाहे 1924 का और 1927 का हो, इन सब के जो इन्होंने चुनाव जीते और अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ये नेता वल्लभ भाई पटेल जी ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए करों का विरोध किया गया और किसान भाइयों को देख ब्रिटिश जो वायसराय है उनको झुकना पड़ा था। तो जब उन्होंने जो 1928 में जो उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ सत्याग्रह किया था बारडोली में, क्योंकि उस समय जो है किसान भाइयों पे बहुत ज्यादा कर बढ़ा दिए गए थे, इसका विरोध करने के लिए उन्होंने जो है सत्याग्रह का आरंभ किया और उनके सत्याग्रह के आगे जो है ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। और इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। 15 अगस्त 1947 के दिन देश जो है आजाद हो गया और वे आजाद भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। आजादी के बाद देश की हालत जो है बहुत गंभीर थी, क्योंकि उस समय जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, शरणार्थियों की, अल्पसंख्यकों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी देश बदलने के लिए। उस समय जो है बहुत दंगे भी हुए थे, तो पाकिस्तान के अलग होने से जो है कई लोग बेघर हो गए थे। उस वक्त रियासत होती थी, उस समय जब भारत आजाद हो गया उसके बाद जो है फिर से नवाबों ने अपनी अपनी रियासतें संभाल ली। हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, हर कोई राज्य अपने राज्य को एक स्वतंत्र देश की तरह मानता था, जिन्हें भारत में मिलाना जो है बहुत जरूरी कार्य था, तभी जो एक देश बन पाता, नहीं तो अलग अलग रियासतें ही रहती। यह कार्य जो बहुत कठिन था, कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था। मतलब अंग्रेजों ने जो है 200 वर्षों तक हम पे शासन किया, तो अब इतनी गुलामी सहने के बाद भी जो है कोई राजा दोबारा गुलामी सहन करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इन रियासतों को भारत में मिलाना जो है बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन जो वल्लभ भाई पटेल है उन पर सभी को यकीन था कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया। तो उनकी जो बोलने की शक्ति थी, वाक शक्ति थी, इतनी थी, उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उन्होंने जो है रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में भी मिलाया। तो उन्होंने मतलब किसी भी रियासत के साथ, किसी भी राज्य के साथ उनको युद्ध नहीं करना पड़ा। उनके बोलने की शक्ति इतनी थी कि उन्होंने जो है अपने बोलने की शक्ति के आधार पर ही देश में जो है रियासतों को मिला लिया था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जो जूनागढ़ के राजा थे ये समझौते को तैयार नहीं थे, तो इनके खिलाफ जो है सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार जो ये रियासतें भी भारत में आके मिल गई। तो पहले जो है ये भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं थी, भारत में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में जब भारत ने इनके विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग किया तो फिर आखिर में जो है ये रियासतें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ भारत में आकर मिल गई। इस प्रकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक कोशिशों के कारण बिना रक्त बहाए 565 रियासतों को भारत में मिला लिया। तो मतलब उस समय 565 रियासतों को उन्होंने बिना किसी रक्तपात के भारत में मिला लिया था, और उस समय जो ये बहुत ही महान कार्य था। तो रियासतों को जो भारत में मिलाने का ये कार्य नवंबर 1947 आजादी के मैच कुछ दिनों बाद ही जो है पूरा किया गया। तो मतलब जब भारत आजाद हुआ तो उसके कुछ महीनों बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है 565 रियासतों को भारत में मिला लिया था। और गांधी जी ने भी कहा था कि ये कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे, उनके अलावा जो है ये कार्य कोई नहीं कर सकता था। उनकी इतनी लोकप्रियता थी, लोगों को उन पर इतना विश्वास था कि उनके अलावा इस कार्य को और कोई अंजाम नहीं दे सकता था। भारत के इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था जिन्होंने बिना हिंसा के देश के एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। मतलब भारत के इतिहास से लेकर अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ या नहीं था जिन्होंने जो है बिना रक्तपात किए, बिना हिंसा किए इतनी सारी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया और देश के एकीकरण का काम किया। उन दिनों इनकी सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे। तो मतलब इन्होंने इतना महान काम किया था कि विश्व के प्रत्येक समाचार पत्रों में जो इनके ही चर्चे थे। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी थी,
कहा जाता है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान चीन जैसी समस्याएं इतना बड़ा रूप न लेती। तो वैसे तो सरदार पटेल जी भी जो है प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदारों में थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार भी थे, लेकिन गांधी जी के नेहरू प्रेम के कारण वे इस दौड़ से दूर ही रहे। तो मतलब जो सरदार पटेल जी थे वो कांग्रेस में बहुत लोकप्रिय थे, प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार भी थे, और उन्हें जो है कांग्रेस में सबसे ज्यादा वोट मिलने की भी पूरी संभावनाएं थी कि मतलब वो प्रधानमंत्री का पद जीती जाएंगे। लेकिन गांधी जी का जो अधिक झुकाव था वो नेहरू जी की तरफ था, उनका नेहरू प्रेम देख के जो है उन्होंने अपने आप को इस दौड़ से हटा लिया और वो प्रधानमंत्री नहीं बने। एक साधारण मनुष्य की तरह जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे और अपने संघर्षों के कारण वे भारत के लौह पुरुष कहलाए। तो मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इतने संघर्ष किए, इतने त्याग किए कि अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते वो जो है भारत के लौह पुरुष कहलाए। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो 1948 में गांधी जी की मृत्यु से जो है पटेल जी को गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि गांधी जी को वो बहुत कुछ मानते थे, अपने जीवन में गुरु मानते थे, एक पिता के समान मानते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे, उन्हीं के विचारों से जो है सहमत होकर उन्होंने इतने आंदोलनों में भाग लिया था, जबकि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते थे, वो अमीर बनना चाहते थे, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से प्रेरित होकर जो है उन्होंने उन सब चीजों को त्याग दिया और देश के उद्धार में आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। तो जब 1948 में गांधी जी की मृत्यु जो है पटेल जी के लिए गहरा आघात साबित हुई, उन्हें इस बात से बहुत धक्का लगा क्योंकि गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी गोडसे ने, तो इस बात से उन्हें जो है गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीनों बाद ही हार्ट अटैक हुआ, एक मतलब बहुत जोरदार हार्ट अटैक हुआ जिससे वे उभर ही नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को वो इस दुनिया से चले गए। और भारत ने उस दिन अपने एक महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के लौह पुरुष को खो दिया। तो इतना मानते थे वो गांधी जी को कि उनकी मृत्यु से उनको इतना गहरा आघात पहुंचा कि उनको एक ऐसा जोरदार हार्ट अटैक हुआ जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाए, जिससे वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए और वो ठीक ही नहीं हो पाए, और 15 दिसंबर 1950 को वो इस दुनिया से चले गए। ऐसा माना जाता है कि अगर वे कुछ दिन और जीवित रहते तो शायद वो भारत के प्रधानमंत्री भी बन जाते और जो है फिर भारत को चीन के आक्रमणों का सामना भी नहीं करना पड़ता और पाकिस्तान से भी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रतन सरदार पटेल जी को भारत सरकार ने जो है सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। उनके महान योगदान के लिए जो है देश में कई संस्थान है, कई शैक्षणिक संस्थान है जो उनके नाम पर खोले गए हैं। उनके सम्मान में जो है गुजरात अहमदाबाद में स्थित एक इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल जी की 2013 में उनके जन्मदिन पर गुजरात में एक स्मृति स्मारक बनाने की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये सब कार्य जो है उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, उनके इतने महान कार्यों के लिए किए गए थे, उनके सम्मान में किए गए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कुछ महत्वपूर्ण विचार थे कि जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। तो ये थे उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार जो उन्होंने लिखे थे। तो दोस्तों, ये थी महान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने विचार भी जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।